दोस्तों स्वागत है। आज मैं आप सभी को सबसे बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल चलता है, सभी लड़कों के मन में चलता है, यदि जो पहली बार भर्ती देखता है या जो दूसरी बार जीडी की भर्ती देखता है या कितनी बार भी भर्ती आप देखते हैं, तो सबके मन में सवाल होता है कि भर्ती जब देखने जाते हैं तो आर्मी में दौड़ निकालने के बाद क्या क्या होता है जिसके कारण कुछ लड़के छट जाते हैं, कुछ का सिलेक्शन हो जाता है, कहाँ पर कितना नंबर मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे कि आर्मी की दौड़ निकालने के बाद क्या होता है। ठीक, क्वेश्चन आज का यही है कि आर्मी की दौड़ निकालने के बाद क्या होता है। ठीक, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे तो आपका सारा मतलब डाउट क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओटीपी वेरिफिकेशन या फिजिकल मेडिकल, क्या क्या होता है सब कुछ बताया जाएगा। ठीक, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे देख सकते हैं सब्सक्राइब का बटन होगा, वहाँ पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। बाय द वे, सिर्फ हम आर्मी की ही वीडियो बना के डालते हैं और आर्मी की सारी जानकारी दी जाती है, एडमिट कार्ड से लगाई सब कुछ बताया जाता है, फॉर्म में जितनी भी दिक्कतें आती हैं सब कुछ बताया जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए आपको बताते हैं आर्मी में दौड़ निकालने के बाद क्या क्या होता है या क्या क्या आपको कराना पड़ता है। ठीक, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगी। सबसे पहले जब ग्राउंड में आपको घुसाया जाता है, दौड़ के ग्राउंड में, तो आपका चेक होता है एडमिट कार्ड। ठीक, उस पर लगती है मोहर। ठीक, उस पर लगती है मोहर, हाथ में रहता है आपका एडमिट कार्ड, यहाँ कॉर्नर में लड़कों के हाथ में देख सकते हैं एडमिट कार्ड पड़ा होगा। और उससे पहले आपके मोहर पे वहाँ पर लगती है, फिर आपको अंदर एंट्री मारा जाता है, फिर आप दौड़ 1600 मीटर की यदि निकाल लेते हैं 1600 मीटर की, उसके बाद क्या होता है ठीक वो बताते हैं। चलिए तो अगले पेज पे आ जाते हैं। दौड़ निकालने के बाद आपका होता है डायरेक्ट आधार कार्ड से वेरिफिकेशन, आपका आपका नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। ठीक, ये सारा वेरिफिकेशन आपका उसी टाइम होता है आधार में। उसके बाद आपका आगे काम बढ़ाया जाता है, यानी आपके जो भी फिजिकल वगैरह कराए जाते हैं, डिप्स वगैरह मारा जाते हैं वो भी बताएंगे। तो ये कैसे बायोमेट्रिक होता है या ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, ये सब दौड़ निकालने के बाद ही प्रोसेस होता है। आपको ओटीपी वेरिफिकेशन या सबसे पहले भी तो बायोमेट्रिक देना पड़ता है उसमें आधार के माध्यम से। उसके बाद आपको बताएंगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक वगैरह होता है, आपका डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो जाता है जो जो आप लेके आए होते हैं गाँव का, जो प्रधान से लिखवा के आए, जाति निवास और चरित्र प्रमाण पत्र या जो भी लाए होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं तो इससे पहले हमारी वीडियो पड़ी है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट यदि क्लियर हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तो यहाँ से आपको आपका वेरिफिकेशन किया जाए। यहाँ पे बायोमेट्रिक जब लिया जाता है तो आपका जो भी रिकॉर्ड होता है सिस्टम में स्टोर हो जाता है। यदि आप पहली बार भर्ती देख रहे हैं तो उनके सिस्टम में वो डाटा रिस्टोर हो जाता है, यानी उनके पास डाटा चला जाता है। लड़के कहते हैं कि हमने दो तीन बार भर्ती देखा है, चार पाँच बार भर्ती देखा है, पकड़े जाने का डर है कि नहीं है। तो देखिए, कोई भी गारंटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आप पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे। सबसे पहली बात यह, पकड़े कैसे जाते हैं, क्योंकि उनके कंप्यूटर में, उनके वेबसाइट पर आपका डाटा अपलोड हो जाता है। जब भी आप निकालते हैं, बायोमेट्रिक देते हैं, तो उस उनके सिस्टम में, देखिए मैं एक एग्जांपल में दिखा देता हूं। यहां पे आपको चार लड़कों का बायोडाटा दिख रहा है, फोटो भी दिख रहा होगा, एक दो तीन चार, यहां पे भी इनके सिस्टम में लड़कों का बायोडाटा दिख रहा है। यहां पे सब ये नेट पे धीरे धीरे अपलोड होता है। ये बात अलग है कि कुछ इनके कारण भी डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं डाटा, या कुछ डाटा बचे रहते हैं जिनके कारण लड़के पकड़े भी जाते हैं। और अगली बात ये बताए कि जब यहां पर चेकिंग होती है तो सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी चेकिंग होती है तो आपके आधार को ही लेके चेक होती है। आपके आधार जिससे आप रजिस्ट्रेशन कराए होते हैं, जिस नाम डेट ऑफ बर्थ से, तो उसी को लेके ये फॉलो करके चेक करते हैं अपने सिस्टम में डाल के कि इस लड़के का कोई पुराना वगैरह रिकॉर्ड तो नहीं है। ठीक, उसके बाद यदि आपका जो भी चेस्ट वगैरह नापा जाता है फिजिकल के बाद, आप लोग को चेस्ट वगैरह पर नंबर मिलता है या सब कुछ नंबर मिलता है, चेस्ट नंबर मिलेगा, उसके बाद आपको जाके सपाट वपाट मारनी होती है, छलांग मारना होता है। और यहाँ बीम पर भी नंबर है, सुना जाता है कि 5 या 10 नंबर शायद बीम पे मारने, 10 बीम मारनी होते हैं उस पर भी नंबर मिलता है। मतलब आर्मी में जितना भी मतलब उसमें वो कराया जाता है, डिप्स वगैरह उड़ा मरवाया जाता है, सब कुछ खुदवाया जाता है, उस पर आप सभी को नंबर मिलता है। उसके बाद ये पास करने के बाद तो आप मेडिकल में जाते हैं। देखिए ये सब इस पर चला के भी टेस्ट लेते हैं, यानी हर, देखिए हर स्टेट की रैली और हर मतलब जहाँ पर हेडक्वार्टर होता है वहाँ पर अलग अलग उनका लेने का तरीका होता है। ठीक, तो ये मत सोचिएगा कि सारी जगह का प्रोसेस एक है, हर जगह का प्रोसेस अलग अलग रहता है, लेकिन हाँ कराते एक ही काम है। देखिए पत्थर को या तो सीधे हाथ से उठाएं या तो उल्टे हाथ से उठाएं, कैसे भी उठाना ही होता है। उसी तरह हर जगह का प्रोसेस सेम होता है, बस कराते कैसे ये पता नहीं चलता है। यहाँ पे आपका चेस्ट नापा जाता है, और क्या पहले तो उस चेस्ट नापाते समय आप सर को डाउन कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक, और उसके बाद झटके में उठाइए,
अगर 5 सेंटीमीटर फुलाना हो तो इस तरह आप कभी रिजेक्ट नहीं होंगे, आपका पतला चेस्ट है तो भी ठीक, यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। चलिए यहाँ पे देख सकते, सभी लड़के जो डॉक्यूमेंट लेके बैठे रहते हैं दौड़ निकालने के बाद, सभी के हाथ में चेस्ट नंबर डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। सभी लड़के घबराते हैं यार, दौड़ निकालने के बाद क्या होता होगा, क्या होता होगा, कुछ नहीं होता है। सीधा तुम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, मेडिकल हो जाता है और फिजिकल हो जाता है, यही तीनों काम होता है, कोई पहाड़ थोड़ी ना तोड़ना होता है। अगर ये आप तीनों क्लियर कर लेते हैं तो आपको रिटन एग्जाम देना होता है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, तो इसमें कोई बड़ी बात दुविधा वाली नहीं है ठीक। यहाँ पे उड़ाव वगैरह मरवाया ही जाता है आपको, कूदेंगे इस पे भी नंबर वगैरह आपको मिलता है ठीक। यहाँ पे आपकी हाइट नापी जाती है दोबारा। सबसे पहले ये बता दूँ कि यदि आप ग्राउंड में दौड़ने वाले होते हैं तो उससे पहले एक बाहर गेट लगा रहता है, कि कई जगह पे लगा रहता है, उसमें से लड़कों को घुसाया जाता है, जिसकी हाइट कम होती है उसे बाहर ही भगा दिया जाता है। उसके बाद जब आप रैली निकाल लेते हैं और सब कुछ होने लगता है, उसके बीच में भी आपकी हाइट नापी जाती है कि लड़के ने कहीं अपना सिर फोड़कर फुलाया तो नहीं था उसमें लड़ने के लिए। तो लड़के भी दिमाग लगा देते हैं, इसलिए आर्मी वाले भी दिमाग लगा देते हैं अंदर जाकर ठीक। तो अगर आपको, और उसके बाद देखिए, सबसे पहले मैंने ये बताया कि इसमें दौड़ निकालने का होता क्या है, तो आपको यदि समझ में आ गया हो कि दौड़ निकालने के बाद क्या क्या होता है, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुरंत जाके नीचे लाइक के बटन पे दबा दीजिए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी और नए हैं तो चैनल के साथ तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि सारी आर्मी की खबर मिलती रहती है, नीचे लाल बटन दिया है। अगर पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं तो नीचे एक स्टडी का चैनल भी दिया है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से कुछ अच्छी जानकारी लेके आप लोगों के बीच हम आएंगे ठीक। तो इसे यहीं पे रोक देते हैं।